थ्री, फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट वन इज 1/√2, मेथड इज सेम, वी विल राइट कि लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। इसको हम लोगों ने रेशनल नंबर मान लिया, तो देयर फोर 1/√2 इक्वल टू ए बाय बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको रेशनलाइज करो। 1/√2 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू बाई टू इक्वल टू ए बाई बी, सो बी रूट टू इक्वल टू टू ए, सो रूट टू इक्वल टू टू ए बाई बी। तो ऐसा हो सकता है, बिना रेशनलाइज करे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह से भी किया जा सकता है। अब आप देखो सेम सिचुएशन अराइज कि इस साइड रूट टू है और इस साइड, मतलब इस साइड इरेशनल, इधर है इरेशनल, सो वी नो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे नाउ यू आर गोइंग इन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.4। बिफोर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ 1.4, वन थिंग शुड बी कीप इन योर माइंड दैट कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है, उसका क्या रूल है। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव सीन दैट कि इफ द डेनोमिनेटर दैट इज क्यू, किसी भी नंबर का अगर डेनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो इसको ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/3125। क्यू मीन्स डेनोमिनेटर का फैक्टर करना है आपको, और इसका फैक्टर करोगे रफ में, आप देखोगे कि क्या आता है 3125। आई थिंक इट विल बी डिवाइडेड बाय 5, 5, 6 जा 31, और 2, 5, 2 जा 10, 5, 5 जा 25, अगेन बाय 5, तो यू विल सी दैट की 13, दिस इज द 5 to the power 5। तो इस फॉर्म में है, ये 2 नहीं है लेकिन 5 है, तो द क्यू या डेनोमिनेटर, द डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power n, देयरफॉर द नंबर इज रेशनल। तो बाय दिस मेथड यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिसका फैक्टर में 2m और 5n के फॉर्म में नहीं होगा, या तो फैक्टर में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, तो जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं है। एंड द सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है कि जो टर्मिनेटिंग है, मतलब इस तरह का है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ, मतलब इसको डिवाइड करो 13 को इससे,
जो आप कर सकते हो. एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. लुक फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड हेयर. इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है कि नहीं. और है कि नहीं तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है. आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कोई नंबर है तो वो रेशनल होगा, रिपीटिंग है तो भी रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल होगा. तो इन दिस केस यू विल सी दैट कि क्वेश्चन नंबर वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो इफ इट इज टर्मिनेटिंग देन इट इज रेशनल नंबर. एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब पूरा क्रॉस भी नहीं होता, आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये इरेशनल है. और थर्ड वन एक रिपीटिंग है, इसलिए ये रेशनल है. ओके, थैंक यू. 1.4 इज कम्प्लीटेड हियर एंड इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 1. ओके, बाय.